नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारे द्वारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखकर यूनिट 7 की सीरीज चलाई जा रही है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की यूनिट 7 की पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जो कि स्पेशली डिजाइन ही करी गई है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर। दोस्तों, इस सीरीज में अब तक हम चर्चा कर चुके हैं घनत्व आदि के बारे में। इस वीडियो से हमें शुरुआत करनी है वेव्स या तरंग के बारे में। हम जानेंगे, तरंग को हर एक एंगल से समझने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि इस वीडियो में हमारी चर्चा कहाँ तक पहुँच पाती है। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो से आपके लिए प्रीलिम्स एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और ऐसा आपके कमेंट देखकर भी मुझे लगता है। आप लोग बढ़िया कमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, आपको हमारी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है, और फिर हम और ज़्यादा प्रेरित होते हैं इस वीडियो को बनाने के लिए और इस प्रकार के दूसरे कोर्सेस चलाने के लिए। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि भाई तरंग होता क्या है या होती क्या है। तो दोस्तों, किसी माध्यम या निर्वात में, अब दोस्तों मैं पहले हर एक चीज एक्सप्लेन करता था, अब मैं क्या किया करूंगा, कुछ जो कीवर्ड होंगे जो यहां पर मिलेंगे उनको मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करूंगा। उस बहाने आप क्या करेंगे, इंटरनेट का यूज करेंगे चीजों को सर्च करने में। एक चीज को सर्च करने के साथ साथ आप दो तीन एक्स्ट्रा बातें जान लेंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पर बात की जा रही है तरंग के बारे में कि तरंगे क्या होती हैं। किसी माध्यम या निर्वात में एक बिंदु दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाले विक्षोभों को तरंग कहते हैं। यहां पर सेंटेंस फ्रेमिंग सही नहीं है, यहां पर क्या है, किसी एक माध्यम या किसी माध्यम या निर्वात में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाले विक्षोभों को तरंग कहते हैं। कैसे तरंग कहते हैं, या तो कोई माध्यम होगा, माध्यम जैसे कि हवा, पानी, या फिर निर्वात जहां पर कुछ भी ना हो, वायु भी ना हो, बिल्कुल एकदम खाली। तो ऐसे स्थान में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण करने वाले जो विक्षोभ होते हैं, डिस्टरबेंसेस होते हैं, उन्हें हम तरंग कहते हैं। उम्मीद है यह परिभाषा तरंग की आपको समझ में आई होगी। अब आप हमें यह बताएं कि माध्यम और निर्वात, यह शब्द आपको समझ में आए कि नहीं। जो विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम के होंगे उन्हें समझने में बड़ी सहजता हो रही होगी, और जो विद्यार्थी साइंस स्ट्रीम से नहीं है उनको थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स की चर्चा थोड़ी ना हम यहाँ कर रहे हैं, सब ऊपर ऊपर की बातें हैं, जिनको आइडिया नहीं है वे सुनकर आराम से अनुमान लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों, तरंग द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा तथा विक्षोभों के पैटर्न की सूचना का संचरण होता है। तरंग द्वारा क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा तथा जो विक्षोभ होते हैं इनके पैटर्न की सूचना का संचरण होता है। तरंग दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें। सबसे पहले जानते हैं यांत्रिक तरंगें या मैकेनिकल वेव्स क्या होती है। दोस्तों, वे तरंगें जो किसी पदार्थ जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, माध्यम में संचरित होती हैं उन्हें हम कहते हैं यांत्रिक तरंगें। इनके उदाहरण हैं ध्वनि तरंगें, भूकंपीय तरंगें, जल तरंगें इत्यादि। अब यांत्रिक तरंगें भी दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। ठीक, ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने देखा तरंग दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सा, एक होती है यांत्रिक तरंगे और दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब यांत्रिक तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगे और दूसरी होती है अनुप्रस्थ तरंगे। ऐसा मैंने क्यों डिवाइड किया, ताकि आपको चीजें समझ आए, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे। ठीक, हम चर्चा करते हैं अब यांत्रिक तरंगों के दो प्रकार में से एक प्रकार अनुप्रस्थ तरंग की। ठीक, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, जब किसी माध्यम में तरंग के संचरण होने पर माध्यम के कण
तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो वे अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है, जैसे कि जल तरंगे, भूकंपीय तरंग इत्यादि। ठीक है, फिर बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों की। इसमें क्या है, माध्यम के करण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, ऐसी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती हैं, जैसे ध्वनि तरंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, वे हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी हैं, जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, लंबवत कंपन यहां नहीं है, लंबवत कंपन कहां करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगों में करते हैं, इतना आप ध्यान रख लें। ठीक है, फिर बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वे तरंगें जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यांत्रिक तरंगों में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि ये किसी पदार्थ वाले माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस में संचरित हो सकती है। कौन सी, यांत्रिक तरंगें, जिनके दो प्रकार थे, अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंग में क्या था कि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या है, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। फिर हमें बात करनी है विद्युत चुंबकीय तरंगों की। यांत्रिक में क्या था, माध्यम की आवश्यकता होती थी संचरण के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंग में ऐसा नहीं है, तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्सरे तरंगे। ठीक है, फिर अब हमें चर्चा करनी है तरंग से संबंधित शब्दावली की। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी, यदि समझ नहीं भी आ रही होंगी तो काफी सारी चीजें आपको वीडियो के माध्यम से ही याद हो रही होंगी। एट द एंड आपको प्रयास करना है कि आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करें सबसे पहले, और एक दो टॉपिक मान लो आपके कमजोर रह जाते हैं तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस जो बेसिक प्रश्न है आप उन्हें गलत ना करें। आपको टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना तैयारी के दरमियान, आपने टेंशन लिया 10-20% परफॉर्मेंस आपकी वैसे ही इफेक्ट हो जानी है। टेंशन नहीं लोगे तो 10-20% परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और जिनके टॉपिक वो अच्छे होंगे फिर भी टेंशन ले रहे होंगे तो वो आपसे ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएंगे। ये तो रेस है, जिसने भी ऐसा कोई काम किया जिसके कारण उसकी पढ़ाई पर, उसकी तैयारी पर, एग्जाम के दिन उसकी मन स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, तो उस व्यक्ति को रेस में पीछे हो जाना है। आपको तो बहुत तेज भागने का प्रयास करना है, ठीक है, किसी भी प्रकार का टेंशन दिमाग में लेके नहीं आना है। चलिए चर्चा कर लेते हैं तरंगों से संबंधित शब्दावली की। सबसे पहले बात करेंगे कला की, कि आखिर कला क्या होती है। कला क्या है दोस्तों, तरंग के आयाम ए के लिए किसी स्थिति एवं समय पर तरंग का विस्थापन कला द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, आवर्तकाल क्या है, तरंग संचरण में कोई बिंदु अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति क्या है, तरंग संचरण में किसी बिंदु द्वारा एक सेकेंड में कुल कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, इसे एन या एफ से हम दर्शाते हैं। ध्यान रखें आयाम क्या है, हम समझेंगे एक ग्राफ बना के। अभी आप यहां ध्यान दे ले, पहले तरंग के आयाम के लिए किसी स्थिति एवं समय पर तरंग का विस्थापन कला द्वारा निर्धारित किया जाता है। कला से क्या निर्धारित होता है, तरंग का विस्थापन। ठीक है, आवर्तकाल क्या है, तरंग संचरण में कोई बिंदु अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, क्या पूरा करने में, एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। फिर बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की, एक सेकेंड में कुल कंपनों की संख्या को हम फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति कहते हैं, इसे एन या एफ से दर्शाया जाता है। फिर बारी आती है वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य की, कि तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से व्यक्त करते हैं, और लैम्डा का साइन ये होता है दोस्तों, ठीक, जो बना हुआ है, इसको ध्यान रख लें आप। फिर तरंग चाल या वेव स्पीड की बात करें तो तरंग द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग चाल कहलाती है। तरंग चाल बराबर आवृत्ति
तथा तरंग दैर्ध्य। अब यहां पर देखें दोस्तों आप, ये एम्पलीट्यूड होता है, ठीक, वेवलेंथ क्या होता है, ये बीच की दूरी, दो संगम गर्तों के बीच की दूरी को बोल देते हैं, और ये डिस्टेंस है। इस प्रकार से आप समझने का प्रयास कर सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं तरंग दैर्ध्य, आयाम, कला, ये होती क्या है, हमने किस प्रकार से इनको समझने का प्रयास किया। अब बारी आती है प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगों की, उनके खोजकर्ता की और क्या उनके उपयोग हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको खोजकर्ता का नाम बहुत आवश्यक रूप से ध्यान रखना है, सीधा प्रश्न यहां से बन सकता है। तो गामा किरणों की खोज की थी वैकुलर ने, उपयोग होता है, वेधन क्षमता इनकी बहुत ज्यादा होती है, इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रोंटजेन ने की थी, चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। परावैगनी किरण रिटर्नेन की खोज की थी, सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए परावैगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। आपने जो आरओ होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, जो पानी को फिल्टर करने के काम आता है, तो उसमें आरओ प्लस यूवी लिखा आता है, आपने देखा होगा आरओ प्लस यूवी टेक्नोलॉजी। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट या परावैगनी किरणें, क्योंकि इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो वही व्यवहार है कि यहाँ पर इसका उपयोग लिखा है एप्लीकेशन, कि परावैगनी किरणों का उपयोग बैक्टीरिया को नष्ट करने में करते हैं, वही टेक्नोलॉजी आरओ में यूज होती है, वहां पर भी परावैगनी किरणों के माध्यम से बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। और इसके आविष्कारक कौन है, खोजकर्ता रिटर है। दृश्य विकिरण इसकी खोज की थी न्यूटन ने, इसके कारण हमें वस्तु दिखलाई पड़ती है। अवरक्त किरण हर्शेल, ये किरणें ऊष्मीय विकिरण हैं, ये जिस वस्तु पर पड़ती है उसका तापमान बढ़ जाता है। इनका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने एवं रोगियों की सिकाई करने में किया जाता है, इतना आप ध्यान रखें। फिर बारी आती है लघु तरंग तथा हर्ट्जियन तरंगों की, जो नाम से ही समझ में आ रहा है, हर्ट्जियन तरंगे मतलब हेनरिक हर्ट्ज ने खोज करी, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन आदि में इनका उपयोग होता है। दीर्घ तरंगों की खोज की थी मार्कोनी ने, रेडियो एवं टेलीविजन में इनका उपयोग होता है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी, सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं तरंग दैर्ध्य की। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, बे जा नी हा पी ना ला, या फिर इंग्लिश में पढ़ा होगा विबग्योर, वी बी जी बाय ओ आर। इसका मतलब क्या होता कि जो बैंगनी रंग है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है और नीचे जाएंगे तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से बैंगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा है और नीचे जाएंगे तो आवृत्ति कम होती जाएगी। क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपको पहले तो ट्रिक याद रखनी है, विव ग्योर या बैजानी या पीनाला, मतलब बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब कोई आपसे पूछे निम्न में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, तो आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा लाल की तरंग दैर्ध्य होती है, फिर नारंगी की, फिर पीले रंग की, फिर हरे रंग की, फिर नीले रंग की, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग की होती है। ये क्या लिखा है, बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य, मतलब ऊपर से नीचे जाओगे तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी। आप कोई आवृत्ति पूछ ले, सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, तो आवृत्ति भी सबसे कम रेड की होती है और तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा रेड की होती है। आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो बैगनी की होती है, ठीक। और ऊपर से नीचे जाओगे तो आवृत्ति कम होती जाएगी, अर्थात ऊपर वाले की सबसे ज्यादा आवृत्ति है, उससे कम ब्लू, उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम ऑरेंज, और सबसे कम रेड की है। वही हिंदी इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी, ठीक। फिर बात करते हैं ध्वनि तरंगों की, कि भाई अगर ध्वनि तरंगें क्या होती हैं, ठीक है। ध्यान रखें जिन कंपनों की अनुभूति हमें कानों के द्वारा होती है, जिन्हें हम सुन सकते हैं, ध्वनि तरंगे कहलाती है, ये बात तो हम सभी जानते हैं। और ध्वनि को डेसीबल में मापते हैं, बड़ा मात्रक बेल होता है, नीचे दिख भी गया, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक बेल है। ध्वनि का स्वरमान इसकी आवृत्ति से निर्धारित होता, व्यवहारिक प्रश्न है, स्वरमान ध्वनि का कैसे निर्धारित होता है, तो वो आवृत्ति से निर्धारित होता है। यदि हम ध्वनि के गुण की बात करें तो ध्वनि में तीव्रता, प्रबलता, तारत्व, गुणता, ये सभी गुण पाए जाते हैं, कम ज्यादा होते हैं, जिसके आधार पर हम मेजर करते हैं। अब बात करते हैं तीव्रता और प्रबलता की। दोस्तों इन गुणों से बहुत ज्यादा व्यवहारिक प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं,
व्यवहारिक या रियल लाइफ से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जैसे अभी आपको आगे चल के समझ में आने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं तीव्रता और प्रबलता के गुण की। तो दोस्तों, तीव्रता और प्रबलता वह गुण है जिसमें ध्वनि धीमी या तेज सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। हमारे कानों के लिए आदर्श ध्वनि की तीव्रता 60 डेसीबल है और घातक है 120 डेसीबल। आपको क्या ध्यान रखना है, तेज या धीमी सुनाई देती है ध्वनि हमें तीव्रता और प्रबलता के कारण। फिर बात करते हैं तारत्व की। अभी हम एक बार यहाँ पर एग्जाम्पल और देख लेते हैं। प्रबल ध्वनि और मृदु ध्वनि की आप यहाँ पर ग्राफ दे सकते हैं, उनको समझने का प्रयास कर सकते हैं। ध्वनि के स्रोत और उनकी तीव्रता के यदि हम बात करें, तो जब व्यक्ति कान में फुसफुसाता है तो वहां पर जो तीव्रता होती है 15 से 20 डेसिबल की होती है, जो व्यक्ति साधारण बातचीत करता है जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक, तो वहां पर जो तीव्रता है 40 से 60 डेसिबल की है, गुस्से में बातचीत करता है जब व्यक्ति तो 50 से 60 डेसिबल, विद्युत मोटर में 110 डेसिबल, सायरन जो होते हैं 110 से 120 डेसिबल, जेट विमान में तीव्रता 140 से 150 डेसिबल, यांत्रिक कारखानों में 100 से 120 डेसिबल तीव्रता होती है। यहाँ पर भी आपको चीज़ों को ध्यान रखने का प्रयास करना है। हमने अभी बात करी तीव्रता और प्रबलता के गुण की ध्वनि की, अब बात करनी है तारत्व की। तीव्रता प्रबलता में क्या था कि ध्वनि हमें तेज धीमी सुनाई देती है। तारत्व में क्या होगा, ध्वनि का वह गुण जिस कारण ध्वनि का मोटा या पतली होने का निर्धारण होता है। तेज और धीमा अलग चीजें, आवाज मोटी होना पतली होना अलग बात है। आपको समझना है, जैसे महिलाओं की आवाज उच्च तारत्व और अधिक आवृत्ति वाली होती है जिसके कारण की आवाज पतली होती है, जितना ज्यादा तारत्व होगा उतनी आवाज पतली होगी, इसको आप ध्यान रखें, ठीक। पुरुषों की आवाज निम्न तारत्व और निम्न आवृत्ति वाली होती है जिसके कारण की आवाज मोटी होती है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ तो कोई बहुत मोटी आवाज आपको लग रही होगी, यदि कोई यहाँ पर मैम पढ़ा रही होती तो फिर आपको वहां पर आवाज पतली सुनाई देती, क्योंकि उनके जो तारत्व है उनकी ध्वनि का वो कम ज्यादा होता है और पुरुषों का तारत्व अधिक कम होता है। तो कम तारत्व के कारण आवाज मोटी हो जाती है और अधिक तारत्व के कारण आवाज पतली हो जाती है। क्या लिखा है यहाँ पर, उच्च तारत्व अधिक आवृत्ति के कारण पतली हो गई। पुरुषों में क्या है, निम्न तारत्व और निम्न आवृत्ति के कारण आवाज मोटी हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक। फिर बात करते हैं गुणता की या क्वालिटी की। ध्वनि का वह अभिलक्षण जो समान प्रबलता एवं तारत्व की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। जब दो ध्वनि ऐसी है जिनकी प्रबलता समान है और तारत्व समान है, तो उनमें अंतर कैसे कर पाओगे, उसकी गुणता के कारण कर पाओगे। जैसे कोरोना ट्यून में अमिताभ बच्चन की आवाज की पहचान ध्वनि के इस गुण के कारण हो पाती थी, ठीक है, इसे हम कहते हैं गुणता। अब प्रबलता और तारत्व तो समान है, समान लेवल पर आपकी आवाज पतली है और उतनी ही धीमी या तेज है, तब जो उसकी गुणता है, उसकी क्वालिटी है आवाज की, वोकल जो सुनाई देती है चीजें, जैसे दो व्यक्तियों की प्रबलता तारत्व तो समान है, फिर भी हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि यार ये आवाज तो ए की है और दूसरी आवाज बी की या किसी फलाने व्यक्ति की है, तो वो क्यों, उसकी गुणता के कारण। व्यवहारिक प्रश्न आएगा कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, गुणता के कारण, ठीक। ढोलक और बांसुरी की आवाज में अंतर ध्वनि की गुणता के कारण ही हम समझ पाते हैं। ढोलक बांसुरी में मान लो समान तारत्व कर दें और प्रबलता भी समान कर दें, तो फिर आपको अंतर कैसे समझ पाओगे, आप समझ पाओगे उसकी गुणता के कारण, उसकी क्वालिटी के कारण, कि बांसुरी में ऐसी आवाज ही निकलती है और ढोलक में ऐसी आवाज ही निकलती है डम डम की, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे ध्वनि के प्रकार की, ठीक। तब तक के लिए आपको सपोर्ट करते रहना है, बने रहना है हमारे साथ, लगातार मेहनत करना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।